हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम नसबंदी के बारे में एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद में आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या बात है जो डॉक्टर आप लोगों से छुपाते हैं जब नसबंदी करवाने जाते हो या नसबंदी करवाने होते हैं, परामर्श लेने जाते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करने जाते हो, तो वो डॉक्टर आपको ये चीज़ें नहीं बताता है। ऐसी क्या बातें हैं? तो ये बातें जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। आपको नसबंदी के बारे में हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि जो डॉक्टर आपसे छुपाता है। तो गाइज, हमने नसबंदी के बारे में बहुत सारी वीडियोज बना दी हैं, तो उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वाली वीडियो पर भी वैसे व्यूज, वैसे प्यार, वैसे लाइक सब्सक्राइब भी दिखाओगे और शेयर करोगे। गाइज, अब बात करते हैं डॉक्टर ऐसा क्या चीज़ें आपसे छुपाते हैं नसबंदी कराते समय। गाइज, पहले जान लेते हैं नसबंदी कैसे होती थी पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में क्या है, यानी कि पहले के ज़माने में और मॉडर्न ज़माना में क्या अंतर है जो डॉक्टर आपसे छुपाते थे। गाय, जो पहले के ज़माना था या पुराने के ज़माने में क्या होता था, जब नसबंदी कराया जाता था तो क्या होता था, जो ट्यूब होती थी, मान लीजिए महिला करा रही है तो उसमें क्या होता था, जो ट्यूब होती थी ट्यूब को बीच से बांध देते थे और बांधने के बाद में ऐसा करके कुछ ऐसा करके बांध देते थे, यहाँ से ऐसा करके बांध देते थे मोड़ मोड़ के, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इस केबल से। ओके, मान लीजिए हमारी ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, ये ट्यूब है। पहले के ज़माने में नसबंदी कैसे होती थी, ये ट्यूब है, इसको ऐसा करके ऐसे मोड़ देते थे और यहाँ से बांध देते थे। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसा करके और यहाँ पे ऐसा करके उन्होंने रस्सी से ऐसे करके बांध दिया। अब बांधने के बाद में क्या करते थे, इसी से ऐसे काट देते थे बीच से। अब ये पहले के ज़माने की नसबंदी होती थी। अब गाइज, अगर आप लोग चाहते थे कि इसको खुलवाना है तो खुलवाने के लिए क्या क्या होता था, इस जो है दूरबीन से, छोटी दूरबीन से क्या कहिए, दूरबीन ऑपरेशन से क्या किया जाता था, चीरा लगा के इस वाली जो यहाँ पे आपको ये बंधा हुआ है, इस रस्सी को डोरे से जिससे वो बांधे थे उसको खोल देते थे। खोलने के बाद में फिर यहाँ से जो है इसको प्रॉपरली चालू कर देते थे। अगर ये नहीं चालू हो रहा तो यहीं से ऐसे करके इसको काट के, इस वाले भाग को काट के फिर दोबारा से करके जो है जोड़ देते थे ऐसे करके, और वो है फंक्शन करना चालू कर देते थे। लेकिन अब के ज़माने में जो डॉक्टर हैं ये बातें छुपाते हैं आपसे। अब के ज़माने में क्या करते हैं, जब नसबंदी कराने आप जाते हो तो वो मान लेते हैं कि आपको एकदम बेबी नहीं चाहिए, लाइफ में आपको बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए आप जो है नसबंदी कराने आते हो। नसबंदी को लेकर बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सख्त कानून हैं। तो डॉक्टर आपसे ये बातें छुपाते हैं कि जब आप नसबंदी कराने जाते हो तो डॉक्टर आपकी पूरी ट्यूब ही जला देता है या पूरी ट्यूब ही काट के निकाल देता है। अगर मेल हो तो आपका जो है वेस्ट डिफेंस नली जो होती है, जिसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं, उसको निकाल देता है पूरा काट के। अगर फीमेल हो तो आपका जो है क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब को ही काट के निकाल देता है, पूरा काट के निकाल देता है, नहीं तो अंदर में ही जला देता है। मान लीजिए आपके जो है फीमेल हो, आपकी जो है फिलोपियन ट्यूब इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी आपकी फिलोपियन ट्यूब है। अब इस ट्यूब को क्या किया जाएगा, अब मॉडर्न ज़माने में क्या किया जाता है, इसको यहीं से देखो, ये मान लीजिए आपका ओवरी है और यहाँ से जो है कनेक्ट हुआ है आपकी यूट्रस से। अब क्या होगा, ये जब आपका जो क्या बोलते हैं ऑपरेशन करवाने जाओगे आपके ज़माने में, इस फिलोपियन ट्यूब को ही काट के निकाल देता है। लो, आपका फिलोपियन ट्यूब चला गया। अब क्या होगा, आपका जो क्या क्या बचा है, ये ओवरी बचा है लास्ट में, और क्या बचा है, आपका जो है यूट्रस बचा है। तो इसमें इस तरह से आपका आज के ज़माने में नसबंदी कराई जाती है। अब गाइज, अगर आप चाहते भी हो कि आप जो है इसको खुलवाना चाहते हो तो नहीं खुल सकता। क्यों? क्योंकि आपके जो है पूरी नली को जला दिया गया है, काट के या निकाल के फेंक दिया गया है। अब आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपके दिमाग में चलता है कि फिलोपियन ट्यूब को ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो गाइज ऐसा अभी सक्सेस नहीं हुआ है, ऐसा कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई मेडिकल में ऐसा साइंस ही नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सके। जैसे कि हम लोग हार्ट का रिप्लेस करते हैं, अपना जो है नया दिल लगवाते हैं, अपना लंग्स रिप्लेस करवाते हैं, लंग्स मतलब फेफड़ा चेंज करवाते हैं, किडनी हो गया इसको चेंज करवाते हैं, गड़बड़ हो जाती है नया लगवा लेते हैं, आँख गड़बड़ हो जाती है तो नई आँख लगवा लेते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा चीज़ है जो ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब है, या मेल में जो है वेस्ट डिफेंस नामक नली है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा नहीं लगाया जा सकता, दूसरा बना के नहीं लगाया जा सकता। अभी ये मेडिकल में ऐसा कोई क्या बोलते हैं इन्वेंशन ही नहीं हुआ है। ओके, तो अब आपसे ये बातें छुपाई जाती हैं। अब तो मैं आपको क्या सजेशन देना चाहता हूँ, मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर आप नसबंदी करवाना चाहते हैं तो कृपया करके आप 100 बार सोचिएगा, लाइफ में आपको बेबी नहीं चाहिए,
बच्चा नहीं चाहिए, तब आप मान के चलिए फिर तभी आप जाना नसबंदी करवाने के लिए। वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो में बताया नसबंदी खुल सकती है नहीं खुल सकती है, ऐसा करवाओगे तो हो सकता है आप जो है फिर दोबारा बच्चा चाहते हो तो वहाँ पर जाके खुलवा सकते हो। लेकिन आपके जमाने में मॉडर्न जमाने में ये कानून आया है कि आपको मान लिया जाता है आपको बेबी भविष्य में नहीं चाहिए तो उसको जला दिया जाता है या काट दिया जाता है ऑपरेशन के दौरान। तो आपको 100 बार सोचना है उसके बाद ही फैसला लेना है नसबंदी कराने का। ओके गाइस, अगर आप जो है नसबंदी करवा ली हो आपके जमाने में और जो है बेबी की ज़रूरत है बच्चे की ज़रूरत है तो आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस से बच्चा हो सकता है, वो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली, मतलब परखनली शिशु। अब इसमें क्या होता है आपके जो है यूट्रस से या ओवरी से आपका ओवम ले लिया जाता है और आपके फीमेल मेल से क्या लिया जाता है स्पर्म, और उसको एक नली में लगा डाल के निषेचन कराया जाता है। उसके बाद में जब भ्रूण बन के तैयार हो जाता है छोटा सा तो उसको आपकी यूट्रस में डाल दिया जाता है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। बस यही प्रोसेस है नसबंदी के बाद में। ओके गाइस, तो यही मेन रीजन था जो डॉक्टर आपको नहीं बताता है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।